आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। तो अब मसला क्या है सबसे बड़ा एजुकेशन में, तो अगर हम थोड़ा सा बैक एंड पे जाएं, तो जब आप स्कूल में दाखिल होते हैं ना, तो तीन स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं। जब आप छोटे से बच्चे थे, स्कूल गए, तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया? पढ़ना, रीडिंग सिखाई गई। ए होता है, बी होता है, सी होता है, 1 2 3 अलिफ बे में, देन आपने ए बी सी सीख ली। फिर क्या सिखाया गया? ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है। आपने पढ़ना स्टार्ट किया, देन आपने पूरी लाइंस को पढ़ा, एंड देन उसके बाद पूरा पैराग्राफ। आज आप इतने एक्सपर्ट हैं कि कोई भी चीज़ आपको दे दी जाए, आप उसको ईजिली पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको पढ़ना ना आता हो? कोई बच्चा नहीं होगा, सबको पढ़ना आता है, ठीक हो गया। उसके बाद पढ़ना आ गया, तो सेकंड स्किल क्या सिखाई गई आपको? लिखना, राइटिंग। एक्सलेंट। डॉटेड कॉपी दे दी गई कि इसके ऊपर आपने ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना है, सी ऐसे लिखना है, और उसके बाद आपने एप्पल कैसे लिखना है, एरोप्लेन कैसे लिखना है, पूरे वर्ड्स, पूरी सेंटेंसेस, पूरे सवाल। आज हमें कोई भी चीज़ दे दी जाए, हम उसको ईजिली लिख सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको लिखना ना आता हो, एक्सपर्ट है। तीसरा स्किल, याद करना। पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया, अब है याद करना। तो किसी ने सिखाया कि याद कैसे करते हैं? सिखाया ही नहीं गया कि याद कैसे करते हो। जब आप टीचर के पास गए कि जी याद कैसे करना है, तो टीचर ने क्या कहा? इसको बार बार पढ़ो, पहली स्किल जो है, इसको पढ़ो बार बार, आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही है, हमने बार बार पढ़ना शुरू किया, पढ़ते रहे, फिर भी भूल गए पेपर में जाके। फिर हम दोबारा टीचर के पास गए कि टीचर जी ये तो याद ही नहीं हो रहा हमें, तो टीचर ने क्या कहा? लिखो, लिख लिख के याद करो। हम लिखते रहते हैं, ऐसे ही है। मुझे खुद याद है, आप ऐसे मेरे पूरे रजिस्टर भरे होते थे, तोल के हिसाब से ना, मतलब मुकाबला होता था ना कि किसके ज़्यादा सफ़े भरे हुए हैं। हमारे ज़माने में ना तोल से वो सब पेपर मिलते होते थे, तोल के हिसाब से ना, तो वो हमने लेने और देखना जी किसने ज़्यादा पेपर लिखे हुए हैं, और एग्ज़ाम में जाके फिर भूल गए। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि आपको चीज़ें सिखाई नहीं गई ना, याद कैसे करते हैं सिखाई नहीं गई। और सबसे बड़ा जुल्म क्या हुआ? इन्होंने कहा एग्ज़ाम उस चीज़ का लेना है जो नहीं सिखाया गया आपको। अगर आपका एग्जाम ये हो कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है, जो उसको पढ़ेगा उसके पूरे नंबर हैं, तो कितने नंबर आते हैं? पूरे नंबर आते हैं, सबको पढ़ना आता है, ऐसे ही है। अगर ये पेपर होता है कि ये पेपर है, जो उसको लिख लेगा उसके पूरे नंबर होंगे, तो कितने नंबर आते हैं? पूरे नंबर आते हैं। उन्होंने कहा ऐसे तो बच्चे टॉप कर जाएंगे सारे। उनसे उस चीज़ का एग्जाम लो जो नहीं सिखाएगा। तो पेपर किस चीज़ का लेते हैं? किसको कितना याद है, कि वो चीज़ जो सिखाई नहीं गई वो बच्चे से उसका एग्जाम लेते हैं कि आपको कितना याद है। और अल्टीमेटली जब हमें सिखाया नहीं गया, हमें याद नहीं हुआ, तो पेपर में नंबर ही नहीं आए। और उससे बढ़कर गलत बात क्या हुई कि हमारी मेमोरी को हमारी जहानत के साथ जोड़ दिया। जिसको ज़्यादा याद है उसके ज़्यादा नंबर हैं, वो उतना ज़्यादा जहीन है। मेरे नंबर नहीं आए, मुझे जो याद नहीं हुआ, मेरे नंबर कम आए, तो मुझे क्या लगना शुरू हुआ? मैं जहीन नहीं हूँ। सबको लगता मैं जहीन नहीं हूँ? लगता है, क्योंकि नंबर ही कम आते हैं, ऐसे ही है। और क्यों कम आते हैं? क्योंकि हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो अब क़यामत वाला दिन क्या आपको, अच्छा किसी को लगता है कि मेरा जहन कम है? सबको अल्लाह ताला ने एक जैसे जहन के साथ पैदा किया, कौन कौन इस बात पे यकीन रखता है? एक्सलेंट, सब यकीन रखते हैं कि सबका जहन बराबर है, ठीक हो गया। मसला कहाँ पे है कि उस चीज़ के साथ जोड़ दिया जिसका कोई काम ही नहीं था। अब मैं आज आपको ये बताता हूँ कि आप कितने जहीन हैं। देखेंगे आप हैरान हो जाए खुद सोच सुन के कि आप कितने ज़्यादा जहीन हैं। कितने ड्रामे याद हो जाते हैं, कितनी मूवीज़ याद हो जाती हैं, एक दफ़ा देखते हैं याद हो जाती है, 10 सालों बाद भी पूछ लें एक एक डायलॉग याद होता है। तो इसका मतलब है कि कुछ तो इतने जहीन है ना माशाल्लाह कि सारी चीज़ें याद हैं। कोई भी नावल पढ़ लें वो याद रहता है। अच्छा मज़े की बात क्या हुई, कभी आपने सोचा कि मैं नावल को रट्टा लगाऊं या मैं मूवी को रट्टा लगाऊं, डायलॉग को मैं रट्टा लगाऊं कि वो मुझे याद हो जाए? ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली याद हो रहा है। या उसको कोई लिखा हो कि मैंने कल जाके अपने दोस्तों को सुनाना है, मैं ड्रामा लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे, कभी भी नहीं लिखा, और अगले दिन आके फर फर सुना रही होती हैं। और टेस्ट इतनी दफ़ा रिपीट